सैयद नासिरुद्दीन वक़ार साहब मरहूम की तैयार करदा इस्लामी कारनामों पर मबनी तस्वीरी नुमाइश बउनवान मुशायर इस्लाम अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बागेआमा नामपल्ली में 8 दिन तक के लिए मुनक़िद की गई है। इस तस्वीरी नुमाइश का मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब की सदारत सदरनशीन इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अशरफ रफी बहैसियत मेहमान खुसूसी प्रोफेसर SM रहमतुल्ला प्रो वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी जनाब जहीरुद्दीन अली खान मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत ने की। बहसियत मेहमान एजाजी गुलाम यजदानी सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट प्रोफेसर एस.ए. शुकूर सदर शोबे उर्दू जामे उस्मानिया मौलाना मुजफ्फर अली सूफी अबुल अलाई सदर नशीन कुलहिंद मजलिस चिश्तिया ने शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने सैयद नासिरुद्दीन मरहूम की तैयार करदा इस्लामी कारनामों पर मबनी तस्वीरी नुमाइश की सताइश की। मरहूम ने पेंटिंग के जरिए अवाम को कुरान की आयत और मजहब इस्लाम के बारे में समझाने की कोशिश की है। मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि हमको ऐसा इल्मी काम करके जाना चाहिए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम कोई भी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, हमको दीन और मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम देना चाहिए। यह नुमाइश 8 दिन तक जारी रहेगी। आप हजरात इस नुमाइश में मौजूद मुनफरिद नमूनों का मुशाहदा कर सकते हैं। पेश है इस खसूस में नुमाइश के कुछ झलकियाँ और मुकर्ररीन के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत.com।